नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत गया से करेंगे। पटना में हुए रेप मामले को लेकर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि निर्भया कांड पर जो कोर्ट का निर्णय आया उससे एक तरफ खुशी हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ ही जेएनयू की घटना को हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन बताते हुए इसके लिए भारत सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। बिहार में ये घटना घटी, वो शर्मनाक घटना है और हम यही कह रहे हैं कि ये कोई नई घटना बिहार के लिए नहीं हो रही है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और हमारा बिहार सरकार के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब है कि बिहार सरकार अपने तरफ से लोगों को छुट्टा छोड़ दिया है कि यहाँ की बेटी बहू का इज्जत जहाँ पर हो तहाँ लोग कर लो, गैंगरेप कर लो और उसका वीडियोग्राफी कर लो और उसको वायरल करो, ब्लैकमेल करो। एक जनरल टेंडेंसी हो रही है जिसका कि एक बार नहीं है, अनेकों बार हम लोगों ने कहा है, लेकिन ये बिहार सरकार कानून क्यों नहीं जुड़ रही है, ये इसके लिए हमको बहुत दुख है। आप लोगों के माध्यम से हम बिहार सरकार को नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि अभी तो कम से कम देखिए, अभी तो कुछ ऐसा काम हुआ है। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अलग होता है, स्पेशल कोर्ट अलग होता है, बार बार हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव कोर्ट बैठा दीजिए। एक्सक्लूसिव कोर्ट में आप एक महीना में, डेढ़ महीना में आप फैसला करा सकते हैं। और जिस प्रकार से निर्भया वाला में फांसी की सजा लगे 7-8 वर्ष की हुई है, आप 2 महीना के अंदर अगर इस प्रकार की कार्रवाई कर दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में, अगर 4-5 जगहों का फांसी की सजा दिलवा देते हैं, फिर हम समझते हैं हमारे बहु बेटी पर कोई नज़र नहीं उठा। राजधानी पटना के बाईपास जगनपुरा मोड़ से लेकर खेमनीचक बाईपास तक सड़क के किनारे लोगों ने अपने व्यवसाय खोल रखे हैं। यहां तक कि सैकड़ों बालू से लदे ट्रक और ट्रैक्टर भी सड़क के किनारे लगे रहते हैं, जिसके फलस्वरूप बाईपास पर भीषण जाम का लोगों को सामना करना पड़ता है। बात करें बख्तियारपुर की, तो क्षेत्रीय लोकसभा सांसद सह केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के तरफ से पटना साहिब लोकसभा के अलग अलग इलाकों में कंबल वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 में वार्ड पार्षद गुड़िया देवी समेत अन्य लोगों की देखरेख में वार्ड के गरीब और असहाय लोगों के बीच करीब 150 कंबल का वितरण किया गया। मोतिहारी में एक बार फिर एनआरसी और सीएए के विरोध में नगर भवन से लेकर होम ग्राउंड के मैदान तक शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिखे। जुलूस में निकले लोगों ने अमित शाह नरेंद्र मोदी वापस जाओ के नारे भी लगाए। देखिए, ये जो रैली निकाली गई है आज एनआरसी के खिलाफ निकाली गई है। देश की जो नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को 2 टुकड़े में बांटना चाहती है। आज जो देश में काला कानून एनआरसी लाया गया है, सरकार कहती है कि ये मुस्लिमों के लिए गलत है, या देश के सभी लोगों के लिए है। मोदी जी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम एनआरसी लाएंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को लाएंगे, आप नेपाल के लोगों के लिए क्या किया है? नेपाल में तो हमारे मदरसी साथी जो रहते हैं वो भी हिंदू हैं, आपने उनके लिए क्यों नहीं एनआरसी लाया? मधुबन प्रखंड के बाजीपुर पंचायत वार्ड संख्या 7 में आग लगने से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि अचानक आग लगने से 8 मवेशी, 2 मोटरसाइकिल सहित 80,000 रुपए नगद जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर डॉक्टर मदन प्रसाद ने कहा कि 20 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक गरीबों का हक नहीं मिला है। विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा किए गए भारत बंद के समर्थन का असर उस वक्त भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला जब वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद का समर्थन किया। बता दें कि निजीकरण, बेरोजगारी, वेतन बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया था। भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भी कुछ घंटे के लिए प्रदर्शनकारियों द्वारा यातायात प्रभावित कर दिया गया। हालांकि पूरा प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्ण रहा। आज जो है पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 12 सूत्री मांगों को लेकर के यह हड़ताल है। केंद्र सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, जो जन विरोधी नीति है, उसको लेकर के यह हड़ताल किया गया है।
हमारा मांग है कि मजदूरों के लिए जो कोर्ट बिल लाया जा रहा है उसको वापस लिया जाए। हमारा मांग है कि मजदूरों को कम से कम 2100 रुपया जो है उसको वेतन मिले, हमारा 21,000 वेतन मिले। हमारा मांग है कि उसको पेंशन मिले। हमारा मांग है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका निजीकरण पर रोक लगे। हमारा मांग है कि जो बैंक, बीमा और जो भी हमारा नवरत्न कंपनियां हैं उसको जो बेचा जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। हमारा मांग है कि जो आशा की कार्यकर्ता है, जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, जो मिड मील में काम करती है, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उसका मानदेय कम से कम जो है आज के महंगाई को देखते हुए 3,000 रुपया से ज्यादा किया जाए। बेगूसराय में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने बेगूसराय में चलाए जा रहे महिलाओं के लिए केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। 2 दिवसीय दौरे पर सदस्या चंद्रमुखी देवी के द्वारा बेगूसराय जेल, सदर अस्पताल, कई कस्तूरबा विद्यालय समेत कई स्थलों का निरीक्षण किया गया। वहीं डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि चंद्रमुखी देवी ने जेल में महिला कैदी की क्षमता से अधिक होने पर नाराजगी जाहिर की और नए भवन बनाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं श्रीमती चंद्रमुखी देवी, तो ये बिहार की प्रभारी टाइप की भी हैं उस आयोग में। तो यहाँ पे विभिन्न जिलों का उनके द्वारा दौरा किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो उनकी योजनाएं हैं, तो महिलाओं के सपोर्ट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो उसके कंपोनेंट हैं, उन सभी के प्रगति की उनके द्वारा समीक्षा की जा रही थी। तो जितने भी संबंधित विभाग थे, चाहे ICDS हो गया, हेल्थ विभाग था, एजुकेशन विभाग में है, मनरेगा में है, महिलाओं को 33 उसमें लेबर का है उसमें जरूर दिया जाना है, नगर निगम में है, जीविका का है उसमें, जीविका में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से महिलाओं को ग्रुप में शामिल करके उनको भी अपने आजीविका के लिए उनको राशि दी जाती है। मुजफ्फरपुर शहर के पक्की सराय चौक पर NRC, CAA और NPR के विरोध में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर कर सरकार विरोधी नारे लगाए, जिसमें JNU के कई छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने JNU विश्वविद्यालय में हुए हंगामे का जिम्मेदार भाजपा संघ को बताया। मजदूर संगठन जितने भी हैं, रेलवे के हो, बैंक के हो, सभी मजदूर संगठन के आह्वान पे 8 जनवरी को भारत बंद का कॉल दिया गया था। ये पूर्व 3 महीना पूर्व से तैयारी हो रही है और हम लोग जैसा जानते हैं कि अभी सरकार जो है NRC, CAA और NPR को लेके पूरे देश की जनता एक विरोध में खड़ी है, लेकिन सरकार अपने सेंट में खड़ी है। और साथ ही सरकार जो है शिक्षण संस्थानों पे, JNU, जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन संस्थानों पे एक तरह से पूरी तरह से हमला बोल रही है, मतलब शिक्षा के खिलाफ एक हमला है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जब शिक्षित होंगे तो सवाल करते हैं, और ये जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, JNU हो, जामिया हो, ये सवाल करता है। और आज पूरे देश में विपक्ष की भूमिका में कोई खड़ा है तो देश के छात्र और नौजवान खड़े हैं, यूनिवर्सिटी खड़ी है, वो पूछती है सरकार से, क्योंकि हम लोग का भी एक नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और समाज को बदलने का। शिक्षित होना है समाज को बदलने के लिए, हम नौकरी के लिए शिक्षित नहीं हो रहे, तो समाज बदलने का सवाल जो है वो हम पूछ रहे हैं। तो ये सरकार जो है हम पे हमला कर रही है, सरकार असामाजिक तत्वों, भाजपा और संघ के इशारे पे जो लठे तो जो गुंडे काम करते हैं उनके द्वारा हम पे हमला कर रहे हैं, जिनकी घटना पूरी तरह शर्मसार करती है। मुजफ्फरपुर शहर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के निवासी पूर्व सहायक निबंधक महानिरीक्षक अजय कुमार शर्मा और उनकी पत्नी की बेखौफ अपराधियों ने रॉड से वार कर हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने लूट के नियत से हत्या करने की आशंका जाहिर की है। छोटा भाई था मेरा, छोटा भाई कहीं और रास्ता नहीं, कैसे जानकारी आपको मिली, क्या जानकारी? यहाँ पे मर्डर हुआ है और FSL की टीम हमारी आ रही है और इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगी। दोनों वृद्ध दंपति हैं और उनके अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता, तो संभावना ये भी हो सकती है कि कुछ चोरी वोरी के हिसाब से लोग इंटर किए होंगे, कुछ कागजात भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो जब तक इसके बारे में कुछ तकनीकी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता है FSL से, कोई भी बात अभी कहना जल्दीबाजी होगी।
इनके परिजन भी यहाँ पे नहीं हैं, परिजनों को सूचना दी गई है और परिजन जब आएंगे तो फिर आगे की कार्रवाई। ट्रेड यूनियन द्वारा एनआरसी और सीएए के खिलाफ आहूत बिहार बंद का असर मधुबनी में भी देखने को मिला। जिले के बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास, झंझारपुर और मधुबनी सदर क्षेत्र के सभी प्रखंडों में सीपीआई और अन्य वाम समर्थित पार्टियों द्वारा चौक चौराहे को जाम कर प्रदर्शन किया गया। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिटलर शाही सरकार है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने और मजदूर विरोधी श्रम कानून में संशोधन करने सहित कई मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने बाजार को बंद कराते हुए एनएच 28 सरदारगंज चौक पर पहुंचकर सड़क जाम किया। वही जाम स्थल पर प्रतिरोध सभा का आयोजन रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में की गई। शहर के एनएच 28 पे खड़े हैं और यहाँ पे ट्रेड यूनियन के द्वारा एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है और आज पूरा चक्का जाम है शहर में। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं कार्यकर्ता, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये हड़ताल क्यों किया जा रहा है और क्या मांगे हैं इन लोगों की। हड़ताल किया गया है ये एक दिवसीय, क्यों किया गया, क्या मांगे हैं? और ये हड़ताल मजदूर विरोधी श्रम कानून जो सरकार, केंद्र सरकार ला रही है, जो 44 श्रम कानून आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बनी, उसको वो तहस नहस करके 44 का कानून को मात्र 4 कोड में बदल रहे हैं और इस 4 कोड को बदल जाने से हमारा ग्रेचुटी, बोनस, काम के घंटे आदि में बहुत सारा हेरफेर होगा। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में असंगठित और संगठित मजदूरों ने हड़ताल का कॉल किया और आज पूरे हिंदुस्तान हड़ताल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास शर्मा, AITC के हम जिला महासचिव हैं। ये हड़ताल किया गया है, क्या असर पड़ा है इसका? हड़ताल पूरा तौर पर जो है दलसिंहसराय के अंदर पूरा बंद है और जो बिहार के और देश के जो प्रधानमंत्री है और बिहार में जो डबल इंजन का सरकार है और जो मोदी जी जो राग अलाप रहे हैं और हिंदू और मुसलमान को जो बांटना चाहते हैं और किसान मजदूर के विरोधी और सरकार किसान मजदूर के पक्ष में जो भी कानून था उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और यह जो है किसान मजदूर इस मोदी और नीतीश को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी तो ये थोड़ा हड़ताल हुआ है, जब हम पूरे देश के और पूरे बिहार के अंदर जब हड़कंप मचाएंगे तो मोदी और नीतीश को घुटना टेकना पड़ेगा किसान मजदूरों के बीच में, यही हमारा कहना है। और वो वापस ले वो सारा चीज, नागरिकता बिल है और जो भी अभी जो है बिहार के अंदर जो नीतीश जी ये जल जीवन हरियाली का जो नारा दिया है और पोखरा के भिंडा जो भूमिहीन को खाली कराने का बात कर रहे हैं वो हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। जब तक उनको जमीन नहीं मिल जाएगा और उनको पेड़ लगाना है तो जो सेलिंग से फाजिल जमीन, बड़े बड़े आदमी, बड़े जमींदार जो सामान को दखल किए हुए हैं उनको कब्जा करके उनको जो है बिहार सरकार को वृक्ष लगाना चाहिए। आपके पार्टी द्वारा मानव श्रृंखला जो बनने जा रही है 19 तारीख। उधर मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित SDM कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रृंखला की तैयारी की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। बैठक में SDM रंजन ने सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि DM द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में आपस में समन्वय स्थापित कर मानव श्रृंखला की तैयारी करें। वहीं बैठक के बाद मानव श्रृंखला बनाकर पूर्वाभ्यास भी किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारा मानव श्रृंखला जो 19 जनवरी को होने वाला है उसको लेकर के डायरेक्शंस जो दिए गए हैं नए, उस पर क्या अब तक कार्य की प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए सभी विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया था। आज यहाँ पे आज सभी प्रखंड के जो अलग अलग विभाग के कृषि हैं, जीविका हैं, स्वास्थ्य विभाग से हैं, ICDS हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सभी लोग आए हुए थे और सभी के द्वारा जो अब तक कार्य किया गया उसका निर्देश दिया गया है। प्लस सेक्टर में अब जो पहले सेक्टर में 5 लोगों को, कोऑर्डिनेटर में भी 5 लोगों को और जोनल में 4 लोगों को लगाने का जो निर्देश दिया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। इसके अलावा प्रत्येक किलोमीटर पे लोग किस तरीके से आएंगे उसकी एक सूची फाइनल की जा रही है। वो सूची जैसे ही फाइनल हो जाती है उसका अविलंब 3 दिन के अंदर फाइनल करने का निर्देश दिया गया है।
विधानसभा चुनाव के पूर्व बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में नालंदा के महाबोधि महाविद्यालय परिसर में बूथ अध्यक्ष और सचिव समेत अन्य कार्यकर्ताओं के बीच सांगठनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वे दूसरे के बारे में नसीहत दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पर जाने का करके वोट दिलाने का काम करें, इसी वाणी को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय न्यायपालिका ने उनको चुनाव लड़ने का योग्य घोषित कर दिया, तो जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं वो दूसरे के बारे में क्या नसीहत दे रहे। अरे तेजस्वी यादव यात्रा पर भी अगर निकल रहे हैं तो अपना जो जमीन उमीन है ना, उस सबका दाखिल खारिज कैसे ठीक ठाक है कि नहीं, ऑनलाइन हम लोग कर दिए हैं तो दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, उसका जमाबंदी है कि नहीं, ऐसे ही लिखवा खुवा लिया, इसी के लिए यात्रा करेंगे। बाकी मुद्दे की कोई ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव ने में जनता ने लालू जी की पार्टी को राजनीतिक मोक्ष दे दिया है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें राजनीति में राजद का पिंडदान हो जाए। बात करें जमुई की तो सिकंदरा प्रखंड के अंबेडकर भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी वीणा कुमारी की अध्यक्षता में आगामी 19 जनवरी को जल जीवन हरियाली और मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें दहेज उन्मूलन, बाल विवाह, नशा मुक्ति जैसी कुरीतियों को मिटाने के लिए जमुई जिले में लगभग 80 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर के उपाध्यक्ष के कमलेश ने बताया कि 11वां वेतन समझौता को तत्काल लागू करने सहित कई मांगों को लेकर सभी बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं, इसलिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की सभी 67 शाखाएं बंद की गई। बैंकों का निजीकरण पर अविलंब रोक होना चाहिए, अविलंब रोक के लिए। दूसरी बात, बाइपार्टाइट जो 2017 के नवम्बर से बाकी है उसको अविलंब समझौता के तहत उसको जो है से कर देना चाहिए। सभी बैंकों में संदेश वाहक भाई लोग जो कि 300-250 रुपये पर सब कार्यरत हैं, उन लोगों का रेगुलराइजेशन होना चाहिए। आह्वान जो है केंद्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है यूनाइटेड फोरम का, उसी के तहत जो है सो हम भी अपने ग्रामीण बैंक के अंदर जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ RRB यूनियन के बैनर तले कर्मचारी के हित की लड़ाई के लिए जो सरकार का श्रम विरोधी नीति है उसके लिए आज हड़ताल किया गया है। और हमारे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के जो मधुबनी क्षेत्रीय कार्यालय है उसके तहत जो है सो तमाम हमारे कर्मचारी अधिकारी जो है अपने हड़ताल पर गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत मुंगेर पहुंचे। बता दें कि मुंगेर के अलग अलग इलाकों में CM 2 दिवसीय दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए मंत्री शैलेश कुमार, मुंगेर सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सहित दर्जनों जदयू और BJP कार्यकर्ता पहुंचे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बिहार प्रदेश में समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा के तहत मधुबनी जिला के बेनीपट्टी सहित कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा। साथ ही पार्टी द्वारा 24 जनवरी को शिक्षा सुधार को लेकर पूरे बिहार में मानव कतार लगाकर नीतीश सरकार की विफलताओं की पोल खोली जाएगी। जो हम लोग का कार्यक्रम है, हम लोगों ने कार्यक्रम का नाम दिया है समझो समझाओ देश बचाओ। जो केंद्र की सरकार ने अभी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आई है और साथ ही साथ जो NRC और NPR की भी बात हो रही है, उसी में हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं कि किस तरह जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है तमाम ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए CAA NPR NRC की बात कर रही है। मधुबनी नगर परिषद कार्यालय पर जनप्रतिनिधि और शहर के 30 वार्ड के आम लोग बेमियादी धरना कर रहे हैं। ये धरना तीसरे दिन भी जारी रहा।
वहीं अभी तक वार्ता के लिए पदाधिकारी द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। इससे वार्ड पार्षद आक्रोशित हो रहे हैं। इन वार्ड पार्षदों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, वे लोग प्रतिदिन कार्यालय अवधि में आकर बेमियादी धरना देंगे। पार्षदों का आरोप है कि जब से कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, शहर के तमाम विकासात्मक कार्य ठप है। सूचना सारे नगर विकास विभाग, आवास, जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना को सूचित कर करके शांतिपूर्ण धरना हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्या इस संदर्भ में किसी पदाधिकारी से कोई वार्ता आप लोगों की हुई है क्या? धरना शुरू होने से लेकर आज तक अभी तक कोई भी पदाधिकारी हम लोगों से संपर्क नहीं किए हैं। हम लोग का धरना अनवरत जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। योजना अभी तक दूसरा किस्त नहीं मिला, तीसरा किस्त नहीं मिला, पहला किस्त नहीं मिला। इस कष्ट और तकलीफ से धरना प्रदर्शन पर वार्ड के जनता उपस्थित हैं, धरना में शामिल है, सभी वार्ड के वार्ड पार्षद गण भी शामिल हैं। पूरे भारत में श्रम संगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद को सफल बनाने को लेकर भाकपा माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, जिसमें केंद्र सरकार पर करारा हमला करते हुए नारे लगाए गए कि एनआरसी वापस लो, देश के जनता के ऊपर काले कानून थोपना बंद करो। बना दिए हैं ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो देश के सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, इनके विरोध में 8 जनवरी का जो मुख्य बंद भारत दिया गया है वो किसानों और नौजवानों, देश के उन कामगारों के लिए दिया गया है जो कि सरकार न्यूनतम वेतनमान नहीं तय किए हैं। सरकार से मांग की जाती है कि वो सभी बेरोजगारों के लिए रोजगार पक्का करे, न्यूनतम वेतनमान 21,000 करे, काम के घंटों को निश्चित करे और तमाम निजीकरण जो कि रेलवे की जा रही है एवं तमाम जो हमारे नवरत्न कंपनियां हैं वो धीरे धीरे उसको बेचा जा रहा है उसको ये सरकार बंद करे। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।